राम राम किसान भाइयों, भाइयों, बहनों और भौजाइयों सबको राम राम। तो भैया आज आपके लिए पहली बार राजू ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स पर हमें अवेलेबल है और यहाँ पर राजू जी ने हमारे किसान भाइयों का थोड़ा ख्याल करते हुए कार भी ला दी है। भैया सेकंड हैंड ट्रैक्टर तो बेच ही रहे थे जी, जी, जी। सर पहले आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई। सर बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, बहुत बहुत बधाई। तो किसान भाइयों और भाइयों और बहनों, देखिए राजू जी हमारे अभी ट्रैक्टर की दुनिया में और मैं भी ट्रैक्टर की दुनिया में था, लेकिन अब मैंने क्या किया है थोड़ा सा कार की दुनिया में आता हूँ और रक्षित को लेके आया हूँ यहाँ पे। तो छोटे शर्मा जी बताएंगे, जैसे हमारे राजू जी ने बताया एक चीज कि हम कार में क्यों आए, क्योंकि नाम के आगे क्या लिखा हुआ राजू ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स। मोटर्स तो जो मोटर्स है वो हमने कार का आगे काम चालू कर दिया है, क्योंकि क्या था ट्रैक्टर्स तो है उधर दिखाओ और मोटर्स की कमी थी, तो हमने राजू ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स दोनों बना दिया है। अब आने वाले समय में जेसीबी और जोड़ेंगे अपने नाम में, वो भी काम चलेगा। तो भैया समय ना लेते हुए बताते हैं आपको, सबसे पहले महिंद्रा की जबरदस्त टीयूवी यहाँ पर खड़ी हुई है। अब मैं थोड़ा सा मतलब अपने कार वाले में आ जाता हूँ, थोड़ा साइलेंट हो जाता हूँ, क्योंकि कार वाले तो बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं और हम थाला देहाती आदमी कौन वाले ट्रैक्टर वाले। तो अगर बात करें इस कार के बारे में, सॉरी कार के बारे में, सर डीएल नंबर है ना जी, कौन सा मॉडल है ये 2017 का, 2017 का मॉडल है। अगर इस कार के बारे में बात करें, इंजन आपको सभी पता है महिंद्रा का एमोक इंजन आता है, 100 बीएचपी का इंजन आता है और इसके अंदर इंजन सीसी की बात करें तो 1498 सीसी, मतलब आप करीब करीब 1.5 लीटर का डीजल इंजन होगा, डीजल इंजन आप इसके अंदर बोल सकते हो। और अगर मैं पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं खुद महिंद्रा की जो न्यू बुलेरो आई है, इसी की भाई बोल सकते हो या बहन बोल सकते हो या बेटी बोल सकते हो, इसी का अपग्रेड मॉडल है। चलाता हूं ना स्कॉर्पियो, क्या फॉर्चुनर भी कहीं नहीं लगती है मेरे सामने जब मैं गाड़ी को चलाता हूं, इतना अच्छा टॉर्क जनरेट करती है गाड़ी, करीब करीब 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क ट्रैक्टर गाड़ी जनरेट करती है ट्रैक्टर, ठीक है, बहुत ही अच्छा पावर है भैया। तो रक्षित भाई कितने में दे रहे हैं ये अपन दे रहे हैं 5,75,000 रुपए में, 5,75,000 में ये दे देंगे, है ना। और थोड़ा अंदर से भी दिखा देते हैं, सेवन सीटर गाड़ी भैया, अंदर से देख लो झमाझम फटाफट देख लो भैया, देखो यहाँ पर ये पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, केबिन जब अंदर जाओगे तो केबिन में बिल्कुल नियो जैसी फील ही जाती है, बिल्कुल और नियो ही है बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल केबिन देख लीजिए। आपको यहाँ पर काफी बजट की गाड़ी है, मॉडल 17 है, काफी बजट की गाड़ी है यार, बिल्कुल काफी। और कुछ मतलब रखा है? बिल्कुल, अब आपके थ्रू कोई आएगा तो उनका मान सम्मान भी जरूर होगा। तो भैया हमारे थ्रू जरूर आएंगे, क्योंकि हम पहली बार मोटर का मतलब कार का वीडियो बना रहे हैं, हमारा लोग मान सम्मान जरूर है। भैया एक बात बता दूं, पीछे थोड़ा सा जाइए कैमरामैन, मैं बताता हूँ कि यार ये गाड़ी मटका होती है, मटका मतलब पीछे से लगता है छोटी है, जब इसमें बिठा रहे हो तो चार चार बिठा लेते हो, और वही चीज बुलेरो जो बड़ी वाली आती है उस पर आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्पेस आपको मिल जाता है, लेग रूम, हाँ मैं आ रहा हूँ गाड़ी वाली स्टाइल में, लेग रूम काफी अच्छा मिलता है आपको इसके अंदर, और कंफर्टेबल सीटें मिल जाती हैं, नाइट विजन भी इसका काफी अच्छा रहता है, कोई समस्या वाली नहीं है, आप एक बार आओ बस बिल्कुल। और हाइट क्लियरेंस भी काफी अच्छा, 198 mm का है, मेरे को ये याद है, 179 मीटर mm का है, mm क्लियरेंस, ठीक है, थोड़ा सा माफ कर देना पहली बार है। और अब हम बढ़ते हैं दूसरी कार की तरफ, भैया ये कौन सी खड़ी हुई है? हमारी हुंडई वरना है, वरना है, कौन सा सर मॉडल है ये? 2011 है, 2011 का मॉडल है, आप देख सकते हो टॉप क्लास भैया रखी हुई है, आप इसको देख सकते हो, बजट की गाड़ी है भैया। रक्षित भाई क्या मांग रहे हो? मात्र 211,000 रुपए, 211,000 में ये गाड़ी मिल जाएगी, कीमत है कितना चला होगा ये? ये 1,00,000 चली हुई है, 1,00,000 चली हुई है। और ये अपनी ट्यूबी 67,000 और ये 1,00,000 चली हुई है, आप देख सकते हो कंडीशन बढ़िया है। आप अगर और अच्छा, आजकल तो इनका रजिस्ट्रेशन भी दोबारा हो जाता है, 5 साल का पड़ जाएगा, जी जी रिन्यू हो जाएगा, है ये 25 तक रिन्यू है, 25 तक है, उसके बाद आप दोबारा करा सकते हो, रिन्यू हो जाएगी। और क्या मिलता है यार भैया आजकल बाइक, आजकल बुलेट आ रही है 2.5 लाख की, 2,75,000 में। ये हमारा है देहाती गाड़ी, कहीं भी ले जाओ कहीं भी चलाओ, बोलेरो, बोलेरो नाम ही है, बोलेरो गाना भी बना हुआ है सर इस पे, अलॉय डाले हुए हैं इसमें, बहुत अच्छी बनी हुई है गाना, जी वैगन की कॉपी बना रखी, जी वैगन की कॉपी बना रखा है। और अंदर से मैं दिखाऊंगा आपको, पहले इसका मॉडल बता दो, ये 2015 का मॉडल, 2015 का मॉडल है, और प्राइस 5,75,000, 5,75,000 भैया, कुछ ज्यादा नहीं है जिस हिसाब से ये लगा रखे है ना, आजकल ये टायर ही जो है ना 90,000 के आते हैं चारों,
अलॉय व्हील के चार के टायर डले हुए हैं, जो बड़ी बड़ी हमारी गाड़ियां आती है बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज उसके डले हुए हैं, वो उस कंपनी जो उनमें टायर आते हैं उस कंपनी के। भैया देखो जिसने बनवाया शौकीन आदमी तो है, मुझे लग रहा है जेडएक्स मॉडल है ये, बिल्कुल जेडएक्स मॉडल लग रहा है, आप देख सकते हो। पावर कोई भी सेंटर लॉक कुशनिंग देखो सीटों की, यार क्या प्यारी सीट बना रखी है यार, अगर कंफर्टेबल सीटिंग आप बैठ के देखिए। अरे यार आप बाद में लेके आए हो, पहले ले आते तो हम ही ले लेते यार, हमको हमने फालतू में दूसरी कार ले ली बुलेरो, हम यही ले लेते, काफी बढ़िया यार सीटिंग देखो यार आप, हैंडरेस्ट वगैरह सब कुछ रॉयल लगोगे, बिल्कुल रॉयल। तो डिमांड ठीक है, 5,75,000 जो भी होगा मान सम्मान हो जाएगा। और सर कहाँ की गाड़ी, एमपी की गाड़ी है? नहीं ये हरियाणा की है, हरियाणा की गाड़ी है बिल्कुल, मतलब बढ़िया दूर दूर से माहौल आया। कितना चला होगा ये? ये 60,000 के समथिंग, 60,000 के समथिंग चली है। पीछे से आप कंडीशन इसकी देख सकते हो, गुरुजी लिखा हुआ है, हरियाणा नंबर है, टायर भी लगा हुआ है, मतलब पांचों टायर आपको एक जैसे मिलेंगे, अलॉय मिलेंगे, बढ़िया। आगे बढ़ता किसान भाइयों, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार वैगनार, बैंगन है भैया बैंगन, बहुत ही अच्छी कार है, ठीक है। एवरेज के मामले में तो सूंघती है डीजल, पेट्रोल है कि डीजल है? पेट्रोल, पेट्रोल है, पेट्रोल बिल्कुल सूंघती है, आप इसको सीएनजी भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। काफी शानदार हाइट क्लीयरेंस, कौन सा मॉडल है ये? 2014 का मॉडल, 2014 का मॉडल है। क्या डिमांड है? 2,75,000 में भैया फाइनली आपको मिल जाएगी इसको, और उसके अलावा भी आप कुछ आओगे तो पहली बार दे रहे हैं तो मान सम्मान कर देंगे जरूर होगा, कोई समस्या होने वाली नहीं है किसान भाइयों। आगे बढ़ जाते किसान भाइयों, ये बजट की गाड़ी है भैया, योन योन योन, बहुत ही एक हमारे सर हमारे को याद है बहुत योन लेके आते थे उस समय, बहुत अच्छी गाड़ी मानी जाती थी, अभी भी अच्छी है। कौन सा मॉडल है ये? 2018 का मॉडल, 18 मॉडल है। क्या डिमांड है ये भी? हम 2,75,000 रुपए, 2,75,000 में ये दे देंगे, और आप आओ भैया टेस्ट ड्राइव करो, एक बार देखो समझो, और अंदर से दिखा दो भैया थोड़े से हमारे इस कार को, अंदर से दिखा दो एक बार कैसी है, थोड़ा लॉक है ये इधर से उधर से, पहले देख लो सीट वीट कवर अवर सब बढ़िया है, कुशनिंग अच्छी है, कोई समस्या होने वाली नहीं है, छोटे फैमिली वाले बढ़िया आराम से ले सकते हैं। अब बड़ी फैमिली की बड़ी कार कौन सी है भैया? स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो देख सकते हो, काफी शानदार ब्लैक कलर में कार है भैया, ब्लैक कलर में, और सबसे अच्छी मेरे को क्या लगता है इसकी लाइट है, ये देखो यहाँ लाल यहाँ से लेकर यहाँ तक जलती है, पहले अंदर का आप देख लो पूरा आराम से देख लो बहुत, और पीछे इसका स्पेस बहुत रहता है रक्षित भाई, यहाँ पर थोड़ा सा इसको चाबी लेके आओ, इसको खोलते हैं, पीछे स्पेस बहुत रहता है, और काफी मतलब बोलते ना इस गाड़ी ने एक ट्रेंड सेट करके रखा हुआ है, हमारे जितने मंत्री मिनिस्टर हैं सब यही चलाते हैं, है ना। और पीछे भी मतलब आप इसको 7 सीटर नहीं बोल सकते हो, 9 सीटर बोल सकते हो, उपयोग कर सकते हो, वैसे 8 है लेकिन आप बढ़िया आराम से बिठाओ, कोई समस्या होने वाली नहीं है, के लिए बहुत कंफर्टेबल, लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है, कोई समस्या होने वाली नहीं है, 4 यहाँ बिठाओ, 8 सीटर बोलते हैं इसको, है ना जी। कौन सा मॉडल है ये? 2014 का मॉडल, 14 का मॉडल है। क्या डिमांड है? 7,75,000 क्यों? क्योंकि गाड़ी MP09, MP09 है भैया, इसलिए इसका थोड़ा सा रेट ठीक ठाक है, और आप आओ यहाँ पर डिमांड मतलब रक्षित भाई बैठेंगे तो पहली बार कार बेच रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो और कुछ है? बस इतने ही, बस आज यही है, अभी 6 ही है, अब आप मेरे 6 महीने में 6 निकला दो मेरा वीडियो देख के, ठीक है, और मेरे को फेमस कर दो कार की दुनिया में, फिर मैं आऊंगा, कार का बादशाह बनूंगा, धीरे धीरे कार का रिव्यू हम स्टार्ट करेंगे किसान भाइयों। जैसे धीरे धीरे तिवारी जी के साथ हम भी इंस्टाग्राम वगैरह पे आ रहे हैं, आओ तिवारी जी के आशीर्वाद से हम भी सीख रहे हैं तिवारी जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप लोगों को इंस्टाग्राम की भी लिंक तिवारी जी डाल देंगे, मैं वो डाल दूंगा, उसके अलावा राजू ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स के नाम से आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो, कोई नया ट्रैक्टर आता है तो प्राइस और मॉडल आपको उस पर भी जानकारी मिलती जाएगी किसान भाइयों, ठीक है, ये भी काम बहुत अच्छा है, कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो बस किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, भाइयों बहनों आप आइए देखिए, कार भी देखिए, जो देखना हो देखिए, बस यही उम्मीद के साथ ही आप जरूर आएंगे और देखेंगे, नंबर आपके डिस्प्ले पे वीडियो के अंत में मिल जाएगा और आपको वहां भी मिल जाएगा, कहां पे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राम राम जी।